गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वन, अ हाउस अ होम। हेलो मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। इज माय वॉइस क्लियर टू यू? यस मैम। तो टुडे वी आर लर्निंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम वन, अ हाउस अ होम। मैम एक बार रिपीट करिए, मैम फंस गया था। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम वन, अ हाउस अ होम। आपकी लिटरेचर की बुक की फर्स्ट पोएम है जो। ओके मैम। ओके So, सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा है, व्हाट इज अ हाउस? व्हाट इज अ हाउस? यस मैम। लॉट्स ऑफ डोर्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं एक्सप्लेनेशन में, पता है? सबसे पहले लिखते हैं रेफरेंस। और रेफरेंस क्या होता है, पता है किसी को? मैम क्या रेफरेंस क्या होता है, पता है? नो मैम। सो रेफरेंस होता है, आप लोग अभी फर्स्ट टाइम आप लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हो ना, क्लास फिफ्थ में, फिफ्थ में नहीं था ना रेफरेंस? चल, सो रेफरेंस होता है बच्चों, पोएट कौन है और पोएम का नाम। आपको एग्जाम में भी जब एक स्टैंजा दिया जाएगा कि राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, तो सबसे पहले रेफरेंस एक्सप्लेनेशन का सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रेफरेंस, जिसमें आप पोएट का नाम और पोएम का नाम लिखोगे और आपकी बुक से है ये पोएम ये भी बताओगे। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आता है कि ये जो लाइंस है, ये जो स्टैंजा है, इसमें पूरा इसका जिस्ट क्या है, इसमें क्या बताया गया है शॉर्ट में। हाँ मैम, इंग्लिश लिटरेचर की बुक का नेम हमको बता सकती है? बिल्कुल बता सकते हैं। नेम है फर्स्ट वाली जो बुक है ये लिटरेचर की, इसका नाम है हनी सकल। ये टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। यस मैम। ओके, इसके बाद दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री की, और जो ग्रामर की बुक है, वर्कबुक है, उसको आप ऑफिस से पूछ कर लीजिएगा कि कौन सी बुक है। यस मैम, थैंक यू मैम। सो हमने आपको बताया है ना कल कि व्हाट इज अ हाउस और होम क्या है, बताइए हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? बताइए। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट हाउस एंड होम। So what's the difference between house and home?
मैम हाउस में परिवार रहते हैं। हाँ और मैम नहीं बेटा, हाउस जो होता है वो ब्रिक्स और सीमेंट का बना हुआ, स्टोन का बना हुआ एक मकान होता है। लेकिन होम क्या होता है? होम में जहाँ पर लव्ड वंस रहते हैं, फैमिली रहती है। चलो तो रेफरेंस देखते हैं क्या है। रेफरेंस है दीज लाइंस हैव बीन taken from the poem A House A Home। ये lines हमारी जो poem है A House is A Home से ली गई है। टेकन मतलब ली गई है और रिटन बाय, इसके राइट पोएट कौन है? लॉरेन एम हॉली है ना। ई है लास्ट में। मैम मुझे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? मैम जो रीफे क्वेश्चन करा रही हैं, ये जो करा रहे हैं, यस मैम, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है पोयम का। यस मैम, पोयम की जो व्याख्या होती है ना, हिंदी में सुना होगा वही है। यस मैम। सो ये रेफरेंस है, ये बताया गया कहाँ से लिया गया है। अब इसके बाद आएगा कॉन्टेक्स्ट, वो भी सिर्फ पहले स्टैंजा का है। अब आएगा कॉन्टेक्स्ट। तो इसको कॉपी में करना है ना? बिल्कुल करना है, जब होमवर्क में दिया जाएगा तो इसी को आपको करना है। यस मैम। अब कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या है। कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़े से शब्दों में लिखोगे कि क्या बात बताई गई है पोएम में। Yes, ma'am. In this stanza, the poet is explaining the ingredients the ingredients or material used to make a house so aapne context mein bata diya कि इस स्टैंजा में, ये जो इतना स्टैंजा है इसमें द पोएट इज एक्सप्लेनिंग, पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या द इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे और मटेरियल यूज्ड टू मेक अ हाउस। तो इस स्टैंजा में पोएट इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं और मटेरियल बता रहे हैं कि किस किस चीजों से मिलाकर ये पूरा घर बनता है। चलो निहारिका। यस मैम। बेटा आप रिमूव क्यों हो जाते हो? आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ काम की बात हो रही है? हाँ बताइए निहारिका। दोबारा से रिमूव नहीं होना है, जो चीजें बताई जा रही हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके सो
फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है ये कॉन्टेक्स्ट में हमने लिख दिया है. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन. सो एक्सप्लेनेशन में क्या है, अब एक्सप्लेनेशन में इस पूरे स्टैंजा को हम लोग एक्सप्लेन करके बताएंगे. जैसे द पोएट सेज, द पोएट सेज दैट ब्रिक्स स्टोन एंड Wood are used to make a house. अब ध्यान दीजिएगा कि कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ क्या बोला कि इंग्रेडिएंट्स बताए हैं पोएट ने, लेकिन यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के नाम बता रहे क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है, ये लंबा जाता है. ठीक है, तो टू मेक अ हाउस ये हो गया. इट ऑल्सो हैज विंडो ग्लास एंड कॉरिडोर्स. और सबको क्लियर दिख रहा है? यस मैम. यस मैम. गुड. यस मैम. ओपन स्पेस इन फ्रंट एंड बैक of the house. फिर और क्या बताया है पोएट ने? हाउस फॉर गार्डनिंग. टाइल्स ऑफ द फ्लोर. Tiles of the floor, fine paint, roof, chhat, elevations of the roof and many doors that many लिखा हुआ है लास्ट में M A N Y. Now listen to me, जिसका जो भी चीजें नहीं हुआ है अभी तक, इसको आपको ये वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा? YouTube पर मिल जाएगा. तो वहां पर आप एकदम आराम से इसको देखकर कर सकते हो, या फिर इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड एंड बाद में आप इसको उतार लेना. नीचे का दिख नहीं रहा है मैम, इधर का नहीं दिख रहा है, एक ही लाइन है बस नीचे. मैम कैमरा पीछे कर दीजिए. अब दिखा कि नहीं? यस मैम. पीछे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिस्टम पर है, एक बार हम रेजोल्यूशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं.
बच्चों एक मिनट रुको, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इतने से काम चलाइए। लास्ट वाली लाइन में लिखा है टाइल्स ऑफ द रूफ, टाइल्स ऑफ द फ्लोर, ठीक है, दिख रहा है, एफ एल डबल ओ आर, पाइन पेंट, रूफ, एलिवेशन ऑफ द रूफ एंड मैनी, यहां तक दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। मैनी डोर्स, That give it a perfect look of a house. Give it a perfect look of a house. Thus, a house is a is a completely non-living thing. ये हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। Take a screenshot and then I will remove it. हो गया। ओके। अब आते हैं सेकेंड वाले स्टैंजा पर। दूसरे वाले स्टैंजा में क्या बताया गया है? देखो, व्हाट इज अ होम, इसमें अब होम के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज अ, इसके बाद क्या है, ऑलवेज केयरिंग, यहां तक हो गया आपका सेकंड वाला स्टैंजा। अब एक बात बच्चों याद रखिएगा कि जो रेफरेंस होता है, yes, ma'am, ये जैसा फर्स्ट वाले में स्टैंजा में रहेगा वैसा ही सेकंड वाले में भी रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो पहले लिखा था वही सेम चीज लिखनी है। ये मत लिख देना कि एज प्रीवियस, ये हम आपको मेंशन कर रहे हैं कि आपको पहले जैसा लिखा था वही चीज यहाँ पर लिखना है, सेम टू सेम। नेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है बस वो चेंज हो जाएंगे। सो कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या है, हियर द पोएट हैज एक्सप्लेन, यहां पर एक्सप्लेन
क्या एक्सप्लेन किया है? द नेचर ऑफ अ होम. होम. यहाँ पर पहले वाले में पोएट ने हाउस के बारे में बताया था, सेकंड वाले में उसने होम के बारे में बताया है. चलो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर. सो इन दिस स्टैंजा पोएट हैज एक्सप्लेन व्हाट मेक्स अ हाउस अ होम. Explain what makes a house a home. यहाँ पर पोएट ने ये बताया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक हाउस को होम बनाती हैं. इट इज द फैमिली मेंबर्स. कौन बनाता है हाउस को होम? फैमिली मेंबर्स कौन कौन से? ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, फादर्स, तो ये सब मिलकर एक हाउस को एक होम बनाते हैं. पुट टुगेदर, पुट टुगेदर मेक अ होम. Their acts without क्या है? Their acts without कैसे act? Any selfish interest. उनका जो एक दूसरे के लिए बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के जो काम होता है वही हाउस को होम बनाता है. देयर कंसर्न फॉर ईच अदर, देयर उनका एक दूसरे के लिए कंसर्न मतलब चिंता जो होती है. देयर विश टू वर्क फॉर, वर्क फॉर ईच अदर्स हैप्पीनेस. एक दूसरे की खुशी के लिए जो काम करते हैं एंड वेल बीइंग. अब देखो ये चीज हम आज बता दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इसको आपको एग्जाम में खुद से लिखना है. हिंदी में जैसे लिखते होगे वैसे ही ये भी एक्सप्लेनेशन होता है इंग्लिश में. इसको आगे चल के अब आप जब तक 12th में जब तक जाओगे तब तक ये एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे ही करते रहना है. इसीलिए बता रहे हैं कि इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि नेक्स्ट जब भी आप कोई पोयम पढ़ो तो उसको एक्सप्लेन कर पाओ जो चीजें आपको कुछ लाए. अब देखो पोइट्री क्या होती है? पोइट्री इज एन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का खेल है सब. इमेजिन, अब पोइट्री में चार लाइन होती है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, यही होता है पोइट्री, है ना? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो इसमें आपको समझना है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कि जो छोटे छोटे स्टार है, दैट लिटिल स्टार्स, दोज लिटिल स्टार्स,
हु आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, है ना, उसके बारे में बात हो रही है. तो इसी को कहते हैं एक्सप्लेनेशन, कि आपको दो लाइन दे दिया गया लेकिन आपको उसको पांच लाइन बनाना है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, सेंटेंस बनाना है, उसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं. रेफरेंस हमने आपको बता दिया, कॉन्टेक्स्ट की. वेल बीइंग, फिर देयर, विश टू शो लव एंड केयर. Love and care towards each other. Is what makes a house a home. Is what makes a house a home. So that is it. इतना ही आपके सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन. टेक अ स्क्रीनशॉट, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो. यस मैम, कर लिए. चलो. सो बच्चों, जो सेकंड वाला चैप्टर है उसका अभी तक हमने मेक सेंटेंस कराया है. नो मैम. हाँ, जो डॉग found himself a master, नहीं कराया? No ma'am. चलो, तो next class में we will do the make sentences of this chapter. Yes ma'am. और इसका जो solutions है, question answer है, देखिए. आ जाइए chapter number 2 पर. हम book नहीं है. अच्छा, इसकी book नहीं है, किसी के पास नहीं है? No ma'am. मैम मेरे पास है. के पास? निहारिका. मैम निहारिका. चलो, वेरी गुड निहारिका. सो जो जिनके पास नहीं है बच्चों, आप लोग भी ट्राई करो कि आपको मिल जाए. इसका वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा आप लोग, सारा बुक में इसका दिया yes, हुआ ma'am. है. और जिनके पास बुक नहीं है, वो ऑनलाइन भी बुक मिलती है ना, पीडीएफ, तो वो भी आप डाउनलोड करके बुक की तरह उसको पढ़ सकते हो. सारे सॉल्यूशंस भी रहते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाई डू द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर. बताइए, डॉग को मास्टर के लिए क्यों लगा कि उसको एक मास्टर की जरूरत है? द डॉग फेल्ट अ नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज He was tired of Ma'am. wandering about all by himself. बताइए. Once the dog. चलो, इसका जो solutions है ये भी हम board पर आपको करा देंगे, ठीक है? Yes ma'am. मैम NCERT का भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हो, मिल जाएगा. Yes ma'am, मेरे में download है. मैम जो हम स्क्रीनशॉट बुक के लिए थे मैम, उसको हाँ. प्ले स्टोर पे जाके सर्च मार के मैम उसमें सॉल्यूशन वाला रहता है, उसको डाउनलोड कर. अच्छा, तो सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे ना? यस मैम, हर बुक मिल जाती है उसमें से क्लास की. चलो, वेरी गुड बच्चों, बहुत स्मार्ट हो आप लोग. सो इसके जो सॉल्यूशन है, जब आपको होमवर्क में दिए जाएंगे तो आप कर लोगे ना? यस मैम. ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये बोलो कि एग्जाम में आ जाए तो आप बोलो कि हमें तो बताया ही नहीं गया था. देखो, जो चीज नहीं आएगी उसको आपको पूछ लेना है कि मैम ये वाला नहीं होगा, ये वाला बता दीजिए. लेकिन जो हम होमवर्क देते जाएंगे उसको आप करते जाइएगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी तब आप लोग बता दीजिएगा. चलो, थैंक यू मैम. एक्सप्लेनेशन है उसमें. हाँ, पोएम का एक्सप्लेनेशन मिलेगा मैम. एक बार देख कर बताइएगा. सेकंड वाली जो पोयम है, कौन सी पोयम है सेकंड? द काइट बाय हैरी बेन. तो ये वाली पोयम का अगर मिलता है तो बताना, ठीक है मैम? हाँ बोलो मैम. ये इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? फर्स्ट चैप्टर है पैट्रिक होमवर्क. यही है ना, Who did Patrick's homework? Yes, ma'am.
Yes, who did Patrick's homework? ये वाला हम लोग उस पे YouTube पर वीडियो है, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं ना हर्ष? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अगर आप चाहो तो उसपे एक बार देख सकते हो. ठीक है क्लास, दैट इज इट फॉर. हाँ बोलो बोलो रिशिता. मैम ये जो सेकंड चैप्टर है ये हाउ हाउ द डॉग फाउंड माइसेल्फ अ न्यू मास्टर वाला है. हाँ हिमसेल्फ, हाँ यही है सेकंड चैप्टर, यही है. मैम हमको ये वाला प्ले स्टोर पे मिल गया है. वेरी गुड. थर्ड चैप्टर है तारोज रिवॉर्ड, ये भी देख लेना. यस मैम. हाँ और द काइट जो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि नहीं? यस मैम. चलो नाउ दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके बाय बाय. थैंक यू, टेक केयर. थैंक यू मैम.